लैलतुल कदर की अहमियत। आकरी सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, मा काम लैलतुल कदर ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिक। जो ईमान और नियत सवाब के साथ शब कदर में इबादत करे, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अकलीसलाम ने इर्शाद फरमाया कि शब कदर की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर नाजिल होते हैं, एक झंडा काबा शरीफ पर नसब फरमाते हैं। उस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने दो पर खोलते हैं और खोलने की वजह से आपके दोनों पर मशरिक और मगरिब को ऐसे ढांप लेते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं जो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ है उससे सलाम करो, उससे जाकर हाथ मिलाओ और उनको के लिए दुआ पर आमीन कहो। सुबह तक सिलसिला जारी रहता है। जब सुबह वापसी की हज़रत जिब्राईल निदा देते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत की हाजात के बारे में क्या किया है? हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आज की रात उन पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमा दी है। चार लोगों के अलावा तमाम लोगों की अल्लाह ताला ने मगफरत फरमा दी है। उनसे पूछा, चार लोग कौन से? उनमें पहला है शराब का आदी, इस रात उसकी मगफरत नहीं होती। नंबर दो, वालदैन का नाफरमान, इस रात उसकी मगफरत नहीं होती। नंबर तीन, रिश्तेदारों से ताल्लुक को तोड़ने वाला, इस रात उसकी भी मगफरत नहीं होती। नंबर चार, वो लोग जो आपस में बुग्ज और कीना रखते हैं, इस रात उनकी मगफरत नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला तमाम की मगफरत फरमा देता है। तो अब अबी वक़ार, इन चारों चीज़ों पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। आकई दो जहाँ प्यार हबीब अलैहिस्सलाम के प्यारे हज़रत अली बिन उरवा रदी अल्लाह तु बयान करते हैं, एक दिन अकलीसलाम ने बनी इसराइल के चार इबादत गुजारों का तस्किरा फरमाया। 80 साल उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, आँख झपकने के बराबर भी उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, इतनी कसीर इबादत का। वो चार कौन से हैं? अकलीसलाम ने फरमाया, पहले हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, चौथे हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। ये सुनकर अकलीसलाम के असहाब को ताज्जुब हुआ। उस वक़्त आपके पास हज़रत जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को इस पर ताज्जुब हुआ कि उन्होंने 80 साल इबादत की, एक लम्हा भी नाफरमानी ना की, अल्लाह ताला ने इससे बेहतर आप पर चीज़ नाजिल फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह कदर पढ़ी और कहा, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ऐ प्यारे, जो बंदा लैलतुल कद्र में इबादत कर जाएगा, अल्लाह ताला उनके 80 साल से भी ज़्यादा ऐसे अजर व सवाब अता फरमा देगा। इतनी मुकद्दस रात तशरीफ ला रही है। आके दो जहाँ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने 27वीं रात के बारे में इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह तआला ने इसके रावी हैं। अकलीसलाम ने फरमाया, शब कदर को 27वीं रात में तलाश करो। हुजूर को से पाक रदी अल्लाह तआला ने भी कहा कि 27वीं रात लैलतुल कदर की है। हज़रत इमाम आज़म ने भी कहा कि 27वीं रात लैलतुल कदर की है। हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास, जो कि कुरान पाक के सबसे पहले मुफस्सिर हैं, उन्होंने भी इसी पर कलम उठाया। उन्होंने कहा कि सूरह कदर, ये अगर इसको देखा जाए तो लैलतुल कदर का लफ्ज़ सूरह कदर में 3 मरतबा आया है और लैलतुल कदर में 9 हरूफ हैं और 3 मरतबा ये आया है। अगर इन 9 हरूफ को 3 से ज़रब दें तो कितने बने? 27। आप फरमाते हैं कि ये लैलतुल कदर का लफ्ज़ इशारा कर रहा है कि लैलतुल कदर की रात ये 27वीं की रात है। इस वजह से अबाबेसी वकार, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। आकई दो जहाँ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की एक आखिरी हदीस मुबारक, फिर इंशाल्लाह रात को लैलतुल कदर के हवाले से कुछ वज़ाइफ़ हैं, कुछ फ़ज़ाइल हैं, वो इंशाल्लाह रात को बयान करेंगे।
जब पीर साहब का बयान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी एक नशिस्त होगी एक घंटे की, उसमें फ़ज़ाइल भी बयान किए जाएंगे और नवाफिल बड़ी आला ज़र्फ वो इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल ने ख़बर दी लैलतुल कदर की रात 9 आदमियों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है और रहमत इलाही से महरूम रहते हैं। कितने बंदे? 9 बंदे, वो सुन लीजिए, ताकि उनमें हमारा शुमार ना हो, ताकि लैलतुल कदर की बरकात से हम सारे मुस्तफीज हो सके। पहला, जो लोग माल की ज़कात नहीं देते लैलतुल कदर पर उन पर रहमत नहीं नाजिल होती, इतनी फजीलत वाली रात में भी महरूम है ये बंदे। नंबर 2, जो किसी को नाहक कत्ल करते हैं। नंबर 3, रिश्तेदारों से जो ताल्लुक तोड़ते हैं। नंबर 4, जो कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं। नंबर 5, लोगों को आपस में लड़ाने वाले। ये गौर फिक्र, लोगों को आपस में लड़ाने वाले, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी और लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया और ख़ुद तमाशा देखते रहे, ये बड़े बुरे लोग होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। जुल्म करने वाले, उस्ताद को तकलीफ़ देने वाले, नमाज में सुस्ती करने वाले और 3 दिन से ज़्यादा मुसलमान भाई से अदावत रखने वाले, बुग्ज़ रखने वाले बग़ैर किसी शरी ज़ाब्ते के अलावा। तो अब अबी वक़ार इन चीज़ों को भी सामने रखिएगा ज़रूर। तो ये ज़रूरी समझता था, इसके अलावा लैलतुल क़द्र के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, कुछ फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह रात की नशिस्त में बयान किए जाएंगे। आपकी बारगाह बेकसपना में दुआ गो हैं सिर्फ अल्लाह सवजल लैलतुल क़द्र की बरकात से हम सब को मुस्तफीज फरमा दे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़्ल व करम फरमा दे। और अगर कोई ये बातें अगर हम में या हमारे आइज़ा करब में पाई जाती हैं, अल्लाह ताला दूर करने की तौफीक दे दे। जिनके वालदैन नाराज़ हैं अभी जाकर अबी वक़ार कदमों को पकड़ कर मना ले, बस अभी देर ही ना करें, पता नहीं मौत वो नहीं आ जाए, अभी जाकर मना ले। जिनके वालदैन थोड़े से भी रूठे हुए हैं ना, बग़ैर देर किए मना ले। जिनके रिश्तेदार उठे हुए हैं बग़ैर देर किए, क्या हो जाना जी, आप जाकर कहेंगे ना, और नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जिम्मा बरी, आप बरी उस जिम्मा हो जाएंगे, ताकि रात आने वाली की बरकात मुस्तफीद हो जाएंगे, और क्या चाहिए। तो इस वजह से, और अगर 3 दिन से कोई भाई से जुदा है तो मिला ले, मिल जाए, वही कहेगा ना जाने मैं नहीं मिलता, लेकिन आपकी तरफ से तो जिम्मा पूरा हो गया ना, आपको रात की बरकात मुस्तफीद हो जाएंगी। तो अब अबी वक़ार 1000 महीनों से अफजल रात है, 1000 महीनों से अफजल रात, तो सिर्फ इस रात को पेश नज़र रखते हुए अब अबी वक़ार अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, इंशाल्लाह आप नीचे लेकर आएंगे अल्लाह ताला आपको बुलंदियाँ अता फरमा देगा उस रात की बरकत से। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए।